हेलो हेलो हेलो। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का विमान संख्या 01716271 में। और आज है हमारा नया लेक्चर, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आज बहुत ही मज़ा आने वाला है यारो, ना? हाँ, क्योंकि आज हमारा नया चैप्टर जो है स्टार्ट होने वाला भैया। तो अपने अपने कमर की पेटी बांध लो और आज जो है हमारा बहुत ही शानदार लेक्चर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, ना दोस्तों? हाँ, चलिए यार शुरू करें क्या। बहुत सारी बातें बताई जाएंगी आपको, है ना? और इसका भाई बहुत बढ़िया वेटेज रहता है आपके बोर्ड में। वेटेज का मतलब सर है? नहीं पता तुमको? बोला नहीं सर। अच्छा बता रहा हूँ, कितना नंबर का पूछा जाएगा, है ना? हाँ, कितना मतलब इससे कितने नंबर का सवाल आ सकता है, बस यही होता है वेटेज, है ना? हाँ, तो ये आपके मैंने एनालाइज जिस हिसाब से किया है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? 5 नंबर के क्वेश्चन इससे नहीं आते दोस्तों, ऑब्जेक्टिव आते हैं और 2 नंबर वाले आते हैं, है ना? हाँ, तो 10-12 नंबर इस चैप्टर से आपके आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो शुरुआत किया जाए क्या? बोला हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैंने बोला कि भाई तुम लोग इक्वेशन जानते हो क्या? इक्वेशन अब हिंदी में लिखो भाई। अच्छा, मैंने बोला समीकरण जानते हो कि क्या होता है समीकरण, है ना? हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्वेशन। और दूसरा तरफ हमारा होता है दोस्तों, एक तरफ एक होता है एक्सप्रेशन, EXPRESSION। एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में? भूल गया क्या? नहीं आता भाई, इस मास्टर चेंज। मैंने बोला अच्छा, पता नहीं उसका मतलब कुछ भी होता हुआ, वो हमारे काम का है भी नहीं, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, है ना? हाँ, जो नहीं आया तेरे को उसका मतलब वो काम का ही नहीं है, पूरी बाबा। हाँ, तो इधर देखिए दोस्तों, समीकरण का मतलब क्या होता है, क्या तुमको पता है क्या? ये वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, क्या इसका मतलब पता है, और ये वाली चीज़ क्या होती है? बोला नहीं सर। मैंने बोला कि देखो भाई, समीकरण उसको बोलते हैं जिसमें किसी वेरिएबल को, जैसे AX+B, है ना, इसको हम 0 के बराबर या कोई भी संख्या के बराबर रखते हैं, जिसको हम समीकरण बोलते हैं, है ना? और एक्सप्रेशन हम किसको बोलते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। एक्सप्रेशन हम बोलते हैं कि जैसे आपके सामने लिखा रहे y=2x+3, है ना? हाँ, इससे हम क्या करते हैं, वो वेरिएबल फाइंड करते हैं कि वो वेरिएबल है कौन सा। और इसमें एक्सप्रेशन में हम खाली वैल्यू पुटिंग करते हैं, एक्स बराबर आप ऑल द रियल नंबर रख सकते हो। अब रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, वो तुमने पढ़ा है भाई, बहुत बढ़िया से पढ़ा है, डिटेल्ड। अब यहाँ पे एक्स बराबर तुम कुछ भी रख लो, ग्राफ में जब तुम जाओगे दोस्तों तो आप वहाँ पे कुछ भी रख लो, जैसे एक्स बराबर आप 1 रखोगे तो 2 + 3 = 5 आ जाएगा, है ना? एक्स बराबर 1 पे वाई बराबर 5। यस, हेलो भाई, एग्री करते रहना कुछ भी मतलब वाई वाली लाइन की इक्वेशन है भाई, है ना? आप x बराबर 1 रखोगे तो y बराबर 5, कोई दिक्कत किसी को? बोला नहीं सर। तो यहाँ से आपको समीकरण सब समझ में आया कि क्या होता है, कि समीकरण है ना, यहाँ पे कोई वेरिएबल है उसको किसी संख्या के बराबर या फिर 0 के बराबर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि वो वेरिएबल कौन सा है वो बताओ। और एक्सप्रेशन में क्या होता है दोस्तों, कि कोई पर्टिकुलर टर्म आपके सामने पटक दी जाती है और उसमें आप x की वैल्यू पुटिंग से उसका आंसर निकाल पाते हो। क्या इतनी क्लियर है बात? बोला हाँ सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, अब देखो बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ, है ना? अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पॉलीनोमियल इक्वेशन, कुछ भी। हाँ, तो आपने पढ़ा होगा, एक होता है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण ये सब मैं पढ़ा के आ चुका हूँ भाई, वो वाली वीडियो आप जरूर देखे जाके। दूसरा होता है दोस्तों द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, यस। तीसरा होता है दोस्तों त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, है ना? चौथा होता है दोस्तों क्या होता है भाई, हिंदी में नाम नहीं पता बट, है ना? हाँ, तो इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, कर दी गलती भाई, अबे वो गलत नहीं है, सही लिखा हुआ है,
कुछ भी मतलब कुछ भी, अबे नहीं भाई सही लिखा हुआ, अभी कारण भी बताऊंगा क्या क्या है ना। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है ना, इक्यू लिख के छोड़ दे रहा हूँ आप समझ जाना। इसको बोलते हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, थर्ड वन इज आवर क्यूबिक इक्वेशन। हाँ, तो ये सब हमारी जो है होती है ना। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ax प्लस बी के रूप का होता है, और जहाँ पे आपको लिखा रहेगा ऐसे कि a जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना, a नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब सर जीरो के बराबर कहे नहीं होना चाहिए, है ना, बात सही है भाई। अगर सोच भाई ये अगर जीरो के बराबर हो गया है ना, हाँ, अभी चलो इस वाली कहानी पे मैं आता हूँ, ये बताने के बाद आऊँगा, तब तक आपके मन में एक और डाउट आ जाएगा, अगर ये यहाँ पे बता दिया तो नहीं आएगा, है ना। द्विघात समीकरण कैसा होता है दोस्तों, ध्यान से देखना, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, और यहाँ पे भी कुछ भी मतलब रैखिक समीकरण, ए एक्स प्लस बी ना, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे भी, और समीकरण जब लिखा है तो आपको पता होना चाहिए वो किसी संख्या के या जीरो के इक्वल होगा, है ना, और ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, है ना। और त्रिघात समीकरण कैसा होता है दोस्तों, ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में कोई कंस्टेंट डी, है ना, है ना, हाँ, इतना क्लियर है। और यहाँ पे भी ए नहीं होता है जीरो के बराबर, और ये तो आपको पता ही है, उड़ी बाबा, ए एक्स फोर प्लस में बी एक्स क्यू प्लस में सी एक्स स्क्वायर कुछ भी मतलब प्लस में डी एक्स ऐसा कुछ होता है। यस दोस्तों, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे भी ए जीरो के बराबर नहीं होता। अब मैं वो वाली बात पे चल रहा हूँ, ए जीरो के बराबर क्यों नहीं होता, देख भाई अगर यहाँ पे ए जीरो के बराबर तो ये वाला टर्म जीरो और ये टर्म जीरो, तो ये बी एक्स प्लस सी के रूप का बच गया, तो फिर ये काहे का द्विघात भाई, फिर तो वो रैखिक में आ गया, भला बात समझ में आती है सर। और सर इसमें जीरो नहीं रख सकते, बट इसमें क्यों नहीं रख सकते, मैंने बोला बहुत सिंपल, रख के देखना भाई, अगर यहाँ पे जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, बी बराबर जीरो। यस, ये मान लो यहाँ पे जीरो है ना, क्यों भाई सब जीरो के बराबर है, हेलो हेलो, हाँ लिखने की जगह नहीं इसलिए मैं डायरेक्ट में बता दूँ, है ना दोस्तों, हाँ चलो लिख देता हूँ भाई, तुम लोग बाद में बोलो, एक्स प्लस बी बराबर जीरो है, और ए नहीं होना चाहिए जीरो। यस, अरे ये यहाँ पे जीरो हो गया है ना, ए अगर यहाँ पे जीरो हो गया, मान लो भाई ए इतना टर्म जो है आपका ये जीरो हो गया, तो जीरो प्लस बी बराबर जीरो, अब बी के जगह पे तो कुछ भी पुट कर भाई, दो पुट करेगा तो क्या कभी दो जीरो के बराबर होता है क्या, बोला नहीं सर, समझ में आ रहा है क्या, बोला हाँ सर। तो इसी तरह इसमें भी है कि यहाँ पे भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रैखिक हो जाएगा, है ना, लीनियर हो जाएगा, तो फिर ये काहे का, समझ पा रहे ना, फिर ये काहे का इक्वेशन होगा, समझ पा रहे, बोला हाँ सर, फिर बस आगे आगे बढ़ो ना भाई। और भाई कहना ना पड़े भाई ये जीरो के बराबर है, सब मतलब ऐसे रूप का होता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया है ना। अब आप बोलोगे यार ये गलत का है लिखा भाई, ये क्वाड्रेटिक और ये, मैंने बोला नहीं भाई गलत नहीं लिखा है, वो गलत नहीं लिखा है, तो फिर मैंने बोला यार तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक होना चाहिए, बाई क्वाड्रेटिक समझ रहे हो ना भाई, मैंने बोला हाँ यार बाई क्वाड्रेटिक तो होना चाहिए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाई क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पे पावर जैसे क्या बोला भाई, सही से बोल, यहाँ पे जैसे पावर जैसे ऑड आ रहा है ना, तो ऑड पावर नहीं आना चाहिए, ओनली इवन पावर होना चाहिए, है ना, जैसे कि एक्स फोर प्लस में सी एक्स स्क्वायर, है ना, ऐसा पावर होना चाहिए, इवन पावर कभी भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्या इतनी कहानी क्लियर है क्या, बोला हाँ सर। हाँ, तो तुम लोग जैसे ही ये बात सीखे कि बाई क्वाड्रेटिक ऐसा होता है, तो तुम लोग जाके बोले सर, बोला क्या हुआ, बोला सर बाई क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं जिसके पावर में इवन होता है, हंस दिए तुम सर, गलत है कुछ भी, अबे बोलना ही है, तो जब वो पास से जा रही है तब बोलो, तब अपने दोस्त चिंटू को कोहनी मारो, ओए चिंडो तेरे को पता है क्या बाई क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, हाँ तो
तो जगह का इस्तेमाल करना सीखिए दोस्तों। इतना क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। तो अब मैं इसमें थोड़ी छोटी छोटी बातें जो आपको बतानी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, इसको मिटाया जाएगा। बोला हाँ सर। तो बाई क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा इवन होनी चाहिए दोस्तों, ऑड कभी भी नहीं होगी, उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक इस दोनों में फ़र्क है तो समझना पड़ेगा आपको फ़र्क। ये क्वार्टिक लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। हाँ तुम क्या यार, मैं भी कभी कभी गलती कर देता हूँ ना। हाँ पीछे एक बार मैं शायद मेरे को याद है बहुपद के टाइम पे ये मैंने गलती कर दिया था, है ना। बट इम्प्रूवमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। कुछ भी भाई, कुछ भी बोल दिया, सॉरी भाई। ये दादा सॉरी बोला ना तुमको। ओ भाई वीडियो बन रही है क्या? हाँ भाई बन रही है बे। उतना क्या तुम मेरे को समझते हो क्या? अरे नहीं सर, आप इतने अच्छे हो। मैंने बोला बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बुरा लगता है भाई जब कोई थैंक यू बोलता है। थैंक यू इज आई डोंट लाइक थैंक यू। थैंक यू बोलो ना भाई, इज्जत करो भाई। किसी ने बहुत मेहनत से थैंक यू बनाया और तुम उसको थैंक यू करो, दिस इज नॉट ए राइट वे। बोला सर मैथ पढ़ाने के लिए भेजा गया, आपको याद है क्या? मैंने बोला हाँ यार याद तो है। तो इसमें हम जनरली इस सारे जितना भी आपके सामने लिखा गया तो उसमें हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण की, है ना। हाँ दोस्तों तो आ जाइए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका द्विघात समीकरण और कुछ जनरल सी बातें हो जाए क्या। द्विघात समीकरण, यस समीकरण, ये किस रूप का होता है दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में, है ना। हाँ अब इसमें जनरली क्या होता है कि जो इसकी पावर होती है ना, जैसे यहाँ पे दो पावर है ना, दो पावर, तो इसके रूट दो होंगे। रूट कितने होंगे दोस्तों? दो। और ये रूट जिसको नहीं पता ये रूट क्या होता है तो भाई जाके पीछे का लेक्चर देखो, बता चुका हूँ, है ना। हाँ और ये कौन से लेक्चर में है वो भी बता दे रहा हूँ, जो मैंने पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था ना उसी में शानदार तरीके से बताया गया, तो वहाँ जाके देखो ना भाई। है अच्छा। और जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा रहे हैं ना एक्स क्यूब, है ना, ऐसा लिखा रहे और आगे ऐसे डॉट, तो इसका तीन रूट होगा। और रूट क्या करता है दोस्तों, उस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर रूट की वैल्यूज इक्वेशन में पुट करोगे, है ना, हाँ, तो वो उस इक्वेशन पूरे इक्वेशन को जीरो बना देता है, खा जाता है, है ना। समझ पा रहे? बोला हाँ सर। तो एक छोटी सी जानकारी और बता देता, मैंने बोला अच्छा यार बता देता हूँ, है ना, सुनो कि अगर 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 ये इक्वेशन हुआ, यस, अगर ये इक्वेशन हुआ तो इसके जो रूट जो होंगे ना, ये रूट, इसके जो रूट्स होंगे इसके डिग्री के बराबर होंगे, ना। हाँ डिग्री मतलब घात, ये घात कितना है भाई? दो। घात लिख देता हूँ भाई, तुम लोग कल आके रिफंड भाई, है ना। हाँ तो ये इसके जो रूट होंगे, है ना, हाँ, तो ये उसके डिग्री के बराबर होंगे। और अगर कहीं पे आपको ऐसा लिखा दिखे ना दोस्तों, रूट्स जो होंगे, है ना, हाँ, वो इसके डिग्री से ज़्यादा होगा, डिग्री से ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? आइडेंटिटी की। बोला हाँ भाई कैसे हो सकता, आई डोंट एग्री। मैंने बोला भाई तुम 11th में जाएगा ना, वहाँ पे पढ़ेगा बढ़िया से, अभी यहाँ पे बताऊँगा ना तो तू, ये तुम्हारे सिलेबस का है भी नहीं है। और भाई बहुत मार पड़ेगा मेरे को। बोला किधर से वे? मैंने बोला नहीं यार वैसा कुछ भी नहीं, बट बता दिया, है ना। हाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि जितना इसका डिग्री होता है ना, दिस इज हर रियल रूट सोल्यूशन। नहीं आया भाई, नहीं आया इंग्लिश बोला, समझो भाई। इधर देखो जितने इसके डिग्री होंगे ना, जैसे ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। द्विघात कैसे सर? मैंने बताया ना पावर दो, इसका मतलब द्विघात बता रखा है, सब बात एक एक बात हो चुकी है। तो जितना इसका घात होगा उतनी इसका सॉल्यूशन होगा, क्या इतनी बात से आप एग्री करते हैं क्या? बोला हाँ सर। तो मैंने बोला यार इसका रूट निकालते हैं, है ना। हाँ मैंने आपको पॉलिनोमियल में बहुत सारी चीज़ें बताई बट रूट निकालने का फॉर्मूला नहीं बताया, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुम्हें आती है, 9th में पढ़ा, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ बट अब यहाँ पे आपके सामने एक नया टर्म प्रस्तुत होने वाला है, श्रीधराचार्य नामक एक वैज्ञानिक जी थे हमारे बहुत बड़े, है ना। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिससे तुम यू निकाल सकते हो रूट, अगर तुमको मिडिल टर्म स्प्रेडिंग में दिक्कत आती है तो, है ना, बहुत आसानी से मिल जाएगा, है ना। देखो ध्यान से यार कैसे उसको डिराइव किया गया, तो थोड़ा सा इसमें बहुत थोड़ा सी मतलब हाई लेवल चीज़ यूज, हाई लेवल नहीं मतलब थोड़ा सा यूज होगा, आप समझ लेना, है ना। हाँ काम उसका आएगा, आपको 11th में सिखाया जाएगा, है ना। अगर आप कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको सिखाया जाएगा किस चीज़ का यूज होगा, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यूज होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर का, तो थोड़ा सा संभाल लेना दोस्तों। मैं आपको इसका प्रूफ बता रहा हूँ कि कहाँ से आया श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्री धरा
श्रीधराचार्य। भाई कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना चार्य जी। श्रीधराचार्य का सत्यानुरूपण है? नहीं भाई वो सब नहीं होगा ना। श्रीधराचार्य कैसे प्रूव करेंगे ना दोस्तों? तो आपने पर रखा है क्या पढ़ा? अभी अभी मैंने बताया कि द्विघात बहुपद कुछ ऐसे रूप का होता है बी एक्स प्लस सी यस बराबर जीरो के, है ना? समझ पा रहे हो क्या? बोला हाँ सर क्लियर है इतनी बात। मैंने बोला मैं हूँ तुम्हारे साथ। और यहाँ से क्या सुनते हैं दोस्तों, अब क्या करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए जस्ट, है ना? इसमें से ए कॉमन ले लिया, तो ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा क्योंकि इसके मल्टीप्लीकेशन में ए है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है दोस्तों ध्यान से देखना, बी एक्स अपॉन में, इसमें तो ए का टर्म नहीं था तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। और ये बात जिसको नहीं पता भाई मैंने बता दी है पहले, वो जाके चेक करना भाई। किस में बताई वो भी बता देता हूँ, वो मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री में बताई है ना। हाँ दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और सी है तो सी में भी ए का डिवाइड हो जाएगा, है ना? क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कॉमन लिया ना दोस्तों, है ना? वो बात वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन हुई है। और ये मार्कर भी बदलना पड़ेगा, है ना दोस्तों? थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, देख रहे हो बाल कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, है ना दोस्तों, है ना? हाँ तो वो सब थोड़ा समझो भाई, ले आऊँगा बहुत जल्दी ले आऊँगा। तो अगर ए इसमें कॉमन लिया तो क्या करते हैं, ए को कॉमन लेते ही इसको यहाँ पर उड़ा दिया, भेज दिया जीरो अपॉन में ए, क्या हो जाएगा दोस्तों ए के जीरो के बराबर। क्या समझ में आ रही है? बोला हाँ सर क्लियर है। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया यार। अब क्या करते हैं ध्यान से देखना दोस्तों, हेलो अब क्या करते हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि अगर मिडिल वाला टर्म जो है उसमें अगर 2 का फैक्टर है तो बहुत बढ़िया, और अगर 2 का फैक्टर नहीं है तो वो फैक्टर लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना दोस्तों? हाँ तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे को 2 का कोई भी फैक्टर नहीं दिख रहा है तो क्या करता हूँ मैं, अगर नहीं दिख रहा ना एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड थोड़ा सा इसमें इंक डाल देता हूँ, एक सेकंड आपके सामने इंक डाल देता हूँ अगर इंक बचा हुआ होगा तो, है ना? ये ऐसे खुलता भाई, एक सेकंड भाई ये दादा रुकना, मुझे लगता है ये इंक भी खत्म हो गया भाई। क्या हो रहा भाई? जनता देख रही है तुझे। बोला जनता पढ़ ले भाई तू। अरे यार पूरा गंद लग गया मेरे हाथ में दोस्तों। कोई नहीं भाई एक सेकंड मैं आ गया, आई एम रेडी। आ गया। अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। हाँ अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे को इधर देखो भाई 2 का फैक्टर नहीं दिख रहा था तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, है ना, और 2 से डिवाइड कर लिया। क्या इतनी कहानी आपको क्लियर है क्या? एक सेकंड देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। हेलो ध्यान से देखना दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई किया ना, हाँ, और ये टर्म क्या लिखा था b इंटू में x अपॉन a, है ना? तो इसको मैं क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। हेलो दोस्तों ध्यान से देख, या ऐसे लिख दो यार तुम, ऐसे लिख दो, है ना, इंटू में बी एक्स अपॉन में ए, है ना? हाँ क्योंकि ये इसे मल्टीप्लाई ही हो जाएगा अंत का, है ना? हाँ 2 से 2 गया भाई, वो सिंपल सेम टू सेम बी एक्स प्लस ए ही लिखा रहेगा। अगर इस 2 से 2 तुम मार दोगे तो बी एक्स प्लस ए ही है। मैंने कुछ गड़बड़ी नहीं किया, किराया दे दिया क्योंकि मेरे पापा जी का तो घर है नहीं, है ना? हाँ क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर इस अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ना भाई, है ना? हाँ क्योंकि भाई समझ रहे हो ना अपना कोटा इधर नहीं चलता, है ना? अब क्या किया ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस में इस 2 को 2 से मार मत देना भाई, ये बहुत काम का है। 2 इंटू में बी अपॉन में 2 ए, है ना, अपॉन में 2 ए इंटू में एक्स प्लस में क्या है दोस्तों सी अपॉन में, है ना, बराबर में 0 यस। अब क्या करते हैं ध्यान से देखना दोस्तों, अब डायरेक्ट तो ऐसे नहीं कर देते, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त क्या करना पड़ता है कि ध्यान से देखना कि इस टू और एक्स को अलग करने के बाद जो इसमें बीच में बच जाता है उसका स्क्वायर जोड़ना पड़ता है, है ना, और उसी का स्क्वायर घटाना पड़ता है, है ना दोस्तों? परफेक्ट स्क्वायर का ये नियम है, जब आप पढ़ोगे ऐसा होता है कि वो सब बात बताई जाएगी, कभी बना दूंगा उस पर भी वीडियो बना दूंगा, है ना?
और प्लस में हमारा क्या है दोस्तों, सी अपॉन में बराबर जीरो। क्या समझ पा रहे हैं बोलो? हाँ सर। बस अब जल्दी जल्दी प्रूफ हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी बनानी नहीं है ना। अब क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, अब कुछ यहाँ पे भी क्रांति करा जाएगा। ये ध्यान से देखो दोस्तों, ये किसी चीज़ का स्क्वायर है। हाँ ध्यान से देखो, नहीं देखना आता कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इस ये आपके कोई एग्जाम में पूछा भी नहीं जा रहा ना, ये आपको प्रूफ नहीं पूछेगा। बट मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये स्क्वायर ये दूसरे तरीके से भी प्रूफ होता है, बट मैंने इस तरीके को अच्छा माना और आपको बता रहा हूँ, है ना। ये किस चीज़ का स्क्वायर लिखा हुआ है? ये एक्स प्लस में बी अपॉन में, फंस गया भाई क्या? नहीं भाई, 2a का स्क्वायर लिखा हुआ है, बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। ये इतना इतनी कहानी है ना, प्लस तक इतना तक है ना। हाँ कैसे लिखा हुआ है सर, प्रूफ करके दिखाइए। देख a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में, देख भाई बी अपॉन 2a का, बी अपॉन 2a का स्क्वायर करेगा तुम तो क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। यस, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। यस समझ में आ रहा है क्या भाई तुमको? बोला हाँ सर, मैंने बोला बहुत बढ़िया। और 2a भी कैसा है, 2 इंटू ए कितना है x इंटू में बी अपॉन में है, कुछ भी मतलब 2ab अपॉन में 2a। इस अब तुम चेक कर लो ना भाई, ये चीज़ यही लिखा हुआ है, ये देख ऐसे लिखती है 2b है ना अपॉन में 2a इंटू में x। देख भाई ये इस कहानी सेम टू सेम इसी की तरह लिखी हुई है, ध्यान से देख लो भाई। बोला मिटा दिया क्या? देख लो, मैंने बोला चेक कर ले भाई, दोबारा से प्रूफ करना अपने हाथ चला भाई। बोला हाँ सर। तो ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, x प्लस में बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है दोस्तों। प्रूफ अपने हाथ से आप करिएगा एक बार, तो मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। इतनी कहानी आ गई। अब बराबर के उस साइड जाके क्या करते हैं दोस्तों, बराबर के उस साइड, ये जीरो है बराबर में, तो ये माइनस का उस साइड ले जाते हैं। ये आ गया बी स्क्वायर अपॉन में 4ac, 4ac नहीं है भाई, 4a स्क्वायर है ना। प्लस में, प्लस में क्या दोस्तों, प्लस में ये इस साइड था तो उस साइड जाएगा, तो माइनस में सी अपॉन में ए। यस अब क्या करता हूँ इसको ऐसे ही, एक्स प्लस में बी अपॉन 2a यस का होल स्क्वायर बराबर में, इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ इसका एलसीएम 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर गया तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए से, देखो ए से ए गया, यहाँ पे 2a है ना, हाँ ए से ए गया तो यहाँ पे बचा 4a और सी यहाँ पे है तो 4ac। एलसीएम लेके देख भाई, सारा क्लियर हो जाएगा कहानी। बोला हाँ सर। अब क्या करते हो दोस्तों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये स्क्वायर इधर से हटाया और इस साइड ले गया, तो प्लस माइनस रूट अंदर, ये पूरा का अंदर रूट है भाई, इस पूरे के अंदर रूट है, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अभी प्रूफ नहीं हुआ क्या, ये चीज़ दिख रहा है क्या तुमको, ये चीज़ दिख रहा है? बोला हाँ सर। नहीं दिख रहा है क्या, एक सेकंड चेक करने दे भाई। हाँ भाई दिख रहा है, बहुत बढ़िया ओपी। अब क्या करते हैं ध्यान से देखना, अब कुछ नहीं करते हैं, इसका वो जो है ना ओपन कर देते हैं, रूट जो है इस पर से हटा देते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 4a स्क्वायर पर से रूट हटाते हैं तो 2a आ जाएगा, है ना। 4 का स्क्वायर 2 और ए स्क्वायर का रूट हटेगा तो दोस्तों 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 और ए स्क्वायर पर से रूट हटेगा तो वो ए आ जाएगा दोस्तों। तो ये अब यहाँ तक का रूट बचा है ना, यहीं तक का रूट बचा, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर ही रूट बचा। अब क्या करते हैं दोस्तों, एक्स यहाँ पर रहने देते हैं और इस बी अपॉन 2a को सेल ले जाते हैं, तो माइनस बी अपॉन 2a है ना दोस्तों। कैसे देखो, ये प्लस का बी अपॉन 2a तो बराबर को सेल जाएगा, तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यस अब इन दोनों का एलसीएम ले लो दोस्तों, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 2a है ना। इस 2a से ये 2a गया तो यहाँ पे बचा माइनस बी प्लस माइनस है ना, हाँ रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, हाँ। और इस 2a गया तो यहाँ पे क्या बच गया दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या समझ में आया क्या? चलो मैं दोबारा बताता हूँ कैसे, है ना। देखो इस 2a से ये वाला गया है ना, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस बी है ना, और प्लस माइनस था बीच में, और इस 2a से ये 2a गया तो यहाँ पे बचा क्या दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। तो ये x बराबर हमारा एक ये आ गया है ना, x बराबर ये चीज़ आ गया है ना, हाँ। तो अब आप कोई से भी इक्वेशन का आप इसमें रूट निकाल सकते हो, कैसा भी इक्वेशन हो, है ना। और ये ए जो ए क्या है, ये ए चीज़, ये ए क्या है दोस्तों, ये लीडिंग कोफिशियंट है ना, लीडिंग कोफिशियंट। और अब मैं इस पर डायरेक्ट सवाल वाल कल की क्लास में करेंगे, अभी डायरेक्ट बहुत सारा चीज़ खेलना है हमको, है ना। तो बने रहिए यार, ये चीज़ समझ में आया क्या, ये प्रूफ समझ में आया क्या, है ना। क्या किया? बस कुछ नहीं, ए को मान लिया और उसको जीरो के बराबर कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, उसी का स्क्वायर जोड़ा, उसी जो 2 और x को अलग करने के बाद जो बच जाता है उसी का स्क्वायर जोड़ा, उसी का स्क्वायर घटाया, प्लस में सी अपॉन में ए कर दिया, ये सब कहानी करके फटाफट निपटा दिया।
इसका इसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, है ना। हाँ, ये प्रूफ आपके सामने है। और अब मैं एक और चीज़ प्रूफ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो x बराबर दो दो चीज़ हमारे आया, एक बार हम माइनस बी और यहाँ पे प्लस लेंगे एक बार, और एक बार माइनस बी माइनस लेंगे एक बार, है ना। हाँ दोस्तों, समझ में आया क्यों? बोला हाँ सर यार, बहुत बढ़िया यार। तो ये डायरेक्ट आपको याद कर लेना, सही तो लिखा था ना वाई? बोला हाँ सर। क्या आएगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, है ना। हाँ, वो प्रूफ करके मैंने आपको दिखा दिया कैसे आया है ना। अब एक और चीज, अब क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। आपने पढ़ा होगा मूलों का योग, सम ऑफ रूट, है ना। तो वो माइनस बी अपॉन ए कैसे आया मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये बहुत तंग कर रहा है भाई, मक्खी भाई, ए तू जाना रे इधर देखो भाई। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे दोस्तों, और है ना। हाँ, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से देखना। तो हमारे पास दो रूट आए, एक्स बराबर एक आया माइनस बी माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, और एक आया एक्स बराबर माइनस बी, है ना। हाँ, प्लस माइनस प्लस, एक बार माइनस के साथ लेंगे एक बार प्लस के साथ, माइनस बी प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। यस, क्लियर? बोला हाँ सर। अब क्या है कि एक को तो हम बोल देते हैं अल्फा, यस, एक को बोल देते हैं बीटा। बोला नहीं सर, हम गामा बोलेंगे। मैंने बोला तू अल्फा बोल, अल्फा एक हो गया बीटा। यस दोस्तों, अब हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन में हमसे अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया जाता है। तो हम ऐसे निकालने जाएंगे कि रूट निकाला पूरा, फिर अल्फा एक एक को अल्फा बोला, एक को बीटा बोला, फिर दोनों को जोड़ दिया? अबे नहीं बे, डायरेक्ट देखो डायरेक्ट कैसे बोलते हैं, है ना। डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला ड्राइव करके बताता हूँ ना। अल्फा प्लस में बीटा क्या होगा, है ना, इन दोनों का जोड़ क्या होगा? तो मैंने बोला बहुत आसान है, जोड़ के देख भाई, माइनस बी माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए सी अपॉन में टू ए। यस, और प्लस में ये वाला चीज़ जोड़ भाई, माइनस बी प्लस रूट, भाई हटना यार, काहे परेशान कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में दोस्तों टू ए। यस, अब क्या है कि टू ए इसका एलसीएम लेते हैं दोस्तों, है ना। हाँ, इस टू ए से ये टू ए गया, तो यहाँ पे माइनस बी माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये बच गया दोस्तों, और यहाँ पे तो प्लस था ही। यस, अबे यार ये बड़ा सा बना तो, और ये टू ए को बीच में रखता हूँ क्योंकि इन दोनों का एलसीएम टू ए आया दोस्तों, और इस टू ए से ये टू ए गया, तो यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे क्या बच्चा, यहाँ पे बच्चा भूल गया क्या भाई मैं? नहीं भाई, नहीं बोला। यहाँ पे बच्चा ध्यान से देखना, माइनस बी प्लस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यस, अब देखो भाई, एक प्लस का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी देखना भाई, और एक माइनस का बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कट गया। यस, और यहाँ पे बचा माइनस बी और माइनस बी, है ना, प्लस माइनस माइनस। यस, तो माइनस बी माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस टू बी अपॉन में टू ए। यस, तो टू से टू गया दोस्तों, तो यहाँ पे बचा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा दोस्तों माइनस बी अपॉन ए। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। ओपी यार, एक बार वाव तो निकल जाना चाहिए आपके मुंह से अभी तक। बोला हाँ सर, निकलना तो पड़ेगा, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही ये रिजल्ट आपको याद रखना है, माइनस बी अपॉन ए, है ना। डायरेक्ट रूट निकालने तो नहीं जाएंगे, अगर कोई इक्वेशन आपके सामने दे दिया जाए चाहे फोर एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स प्लस में टू, तो आप डायरेक्ट उसका रूट निकाल के फिर जोड़ने थोड़ी जाएंगे डायरेक्ट। सर यहाँ पे बी क्या है, देखो यहाँ पे बी है ना, और माइनस के साथ लेना दोस्तों, है ना। और बी को, बी को हम जनरली क्या बोलते हैं, एक्स का कोफिशियंट होता है बी, है ना। हाँ, और ए क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, है ना। और ये, और एक और जनरल बात मैं बताना भूल गया, उसके बाद मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि मूलों का गुणनफल पे आता हूँ, है ना। हाँ दोस्तों, हेलो हेलो, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है ना। हाँ, एक और मैं बात बताना भूल गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट था ना। अबे यार ये क्यों मिटा दिया, चलो कोई नहीं, अभी लिख देता हूँ, है ना। देखो, जैसे कि यहाँ पे पावर था, यहाँ पे पावर वन था, तो ए एक्स प्लस में बी, और जैसे ही पावर टू किया तो ए एक्स स्क्वायर पावर यहाँ पे वन है, तो ये रैखिक हो गया, ये पावर दो है, तो ये बहु द्विघात हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। यस, और यहाँ पे पावर में तीन दे दिया, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया, है ना। और अगर हम पावर में n दे दे तो क्या बनेगा, है ना, आपके दिमाग में आया हो, शायद आया हो, है ना।
नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो हमारा बनता है कि दोस्तों पॉलीनोमियल इक्वेशन, ये सब इसी के अंदर आते हैं ना। हाँ, ये हम पॉलीनोमियल इक्वेशन के अंतर्गत ये चीज़ पढ़ रहे हैं, है ना दोस्तों। हाँ, तो मैंने